बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर ने जहां फिल्म के बारे में एक झलक दी है, वहीं फिल्म में बहुत कुछ है जिसको अभी तक रिवील नहीं किया गया है और ये दर्शकों के लिए सरप्राइज का काम करेगा। फिल्म में सरप्राइजिंग एलिमेंट में से एक शाहरुख खान का कैमियो है। 2020 में खबरें आई कि सुपरस्टार फिल्म में एक छोटा सा किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में एक वेस्टर्न रिपोर्टर के साथ एक इंटरव्यू में आमिर खान ने इसके बारे में खुलासा किया और लाल सिंह चड्ढा में शाहरुख खान के कैमियो के बारे में राज खोला। ये पूछे जाने पर कि वह शाहरुख खान को फिल्म में कैसे लाने में कामयाब रहे, आमिर ने कहा, शाहरुख एक दोस्त है, मैंने उनसे कहा कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अमेरिका में एल्विस पेस्ली को रिप्रेजेंट कर सके, मुझे भारत के सबसे बड़े आइकॉनिक स्टार की जरूरत है, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो बहुत स्वीट है और उन्होंने हाँ कहा। आमिर खान के इस बयान ने फिल्म में शाहरुख खान की मौजूदगी को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है। लाल सिंह चड्ढा 1994 की फिल्म फॉरेस्ट गम की ऑफिशियल रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म में फॉरेस्ट की मां को एक बोर्डिंग हाउस चलाते हुए दिखाया गया है जिसमें कई टूरिस्ट आते हैं। उनके स्थान पर ठहरने वाले एक टूरिस्ट एल्विस पेस्ली भी है और वह फीमेल के बीच काफी पॉपुलर होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फॉरेस्ट गम से पता चलता है कि एल्विस को डांस मूवमेंट का आइडिया युवा फॉरेस्ट से मिला। अब ये देखना बाकी है कि लाल सिंह चड्ढा में शाहरुख खान का क्या रोल होगा और क्या मेन लीड उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित करता है। रिपोर्ट के अनुसार लाल सिंह चड्ढा एसआरके से टकराते हैं और अपनी बाहों को फैलाना सिखाते हैं। ये तो 11 अगस्त को फिल्म के रिलीज होने के बाद रहस्य का खुलासा हो जाएगा। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।